जय हिंद दोस्तों। अगर आपको याद होगा तो हम लोग जो पीछे की क्लास में जो सीख रहे थे वो था एम्ब्रायोलॉजी की क्लास, और उसमें जो हम बेसिक कंसेप्ट एम्ब्रायो का सीख रहे थे वो था प्लांट की कैसे एम्ब्रायोलॉजिकल स्टडी की जाती है। सबसे पहले मैंने सीखा कि प्लांट की जो बेसिक कंसेप्ट कैसे हम क्रिएट करते हैं, किस तरह से कोई सीडलिंग प्लांट जो होती है वो अपना एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करने की फर्स्ट स्टेप क्या होता है। फिर उसमें हमने एक एक करके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन का रेट सीखा। फिर उसके बाद से क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कैसे स्टिग्मा पर आता है, स्टिग्मा से कैसे पॉलन ग्रेन जो होता है वह पॉलन ट्यूब के माध्यम से एम्ब्रायो में आता है, मतलब कि ओवरी में आता है, और ओवरी में ओव्यूल्स के अंदर किस तरह से सेल का फर्टिलाइजेशन होता है। इन सारे कंसेप्ट को जब हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे उसके आगे की कंसेप्ट आज हम लोग इस फंडामेंटल कंसेप्ट में सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि जो हम लोग अभी तक सीखे हैं उसकी कंसेप्ट और इसके कंसेप्ट में थोड़ा सा अंतर है। देखो अभी तक हमने क्या सीखा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास किसी तरह के कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, और फ्लावरिंग प्लांट में अगर जब भी हमारे पास अब एम्ब्रायो की चूँकि फॉर्मेशन में हमने क्या कहा था कि एंडोस्पर्म जो होता है वो जनरली डेवलप होता है क्या चीज़, एम्ब्रायोलिक स्टेज से, मतलब कि एम्ब्रायोलिक स्टेज का जो फॉर्मेशन शुरू होता है वो एंडोस्पर्मिक लेवल होता है, और वो धीरे धीरे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होता है वो क्या करता है, डिवाइड होता है और वो ट्रिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करता है, और फिर उसके बाद से क्या करता है कि वो टिश्यू धीरे 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 वो क्या करता है आगे चलकर फ्री न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, और फ्री न्यूक्लियस बनाने के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। आपको हम पीछे के एक लेक्चर में इसके बारे में बड़े डिटेल में समझाए हैं, ठीक है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है आपका एम्ब्रायो ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हेडिंग क्या है आपका, एम्ब्रायो ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स की हम आज एम्ब्रायोलॉजी के बारे में सीखेंगे कि एम्ब्रायोलॉजी कैसे तैयार करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स का, ठीक है। अब देखो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें अगर आप गौर से देखोगे तो उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है कि देखो इनमें क्या होता है कि जितने भी माइक्रोपाइलर एरिया होते हैं, ठीक है, अब चूंकि इनके अंदर जो इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, देखो कह रहा है कि ध्यान रखेंगे कि एम्ब्रायो की जो डेवलपमेंट होती है वो जो होता है वो माइक्रोपाइलर इंड पे होता है। अब आप क्वेश्चन रहता है कि माइक्रोपाइलर इंड किसे कहते हैं, तो आपको याद होगा ने कहा था कि अगर किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का एम्ब्रायो का यानी कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से पॉलन ट्यूब आता है और आकर इसे फ्यूनिकल के पार्ट्स पे आकर अटैच होता है। ये हिस्सा कौन सा होता है, फ्यूनिकल का होता है, ठीक है, ये जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल्स, और ये फ्यूनिकल्स के पार्ट पर आकर यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है, और ये जो एरिया होता है इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो पाइलर एरिया, यही एरिया जो होता है वह माइक्रो पाइलर एरिया होता है, ठीक है, और ये जो एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं चैलेंजर एरिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, चैलेंजर एरिया कहते हैं। तो माइक्रो पाइलर एरिया और चैलेंजर एरिया दो एरिया होता है इसमें, ठीक। यहाँ पे जो आपको देखोगे कि यहाँ पे तीन सेल होते हैं, यहाँ पे जो होते हैं वो तीन सेल होते हैं और प्रत्येक में एक न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे एक सेंट्रल पोर होता है, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल पोर, और इसमें जो होते हैं एक सेल होता है और दो न्यूक्लियस होता है। हमने कहा था कि जब पॉलन ग्रेन यहाँ से जब आते हैं तो ये यहाँ से आते हैं पॉलन ट्यूब के माध्यम से, और जब एंट्री करते हैं तो ये जो सेल होते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं फिली फॉर्म सेल, क्या कहते हैं हम लोग, फिली फॉर्म जो होता है ये गाइड करने का काम करता है। क्या करता है, ये गाइड करता है किसको, पॉलन ग्रेन को, और ये सेल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एग सेल, और यहाँ पे जाकर ये फर्टाइल करता है, ठीक है। तो जब एग सेल जहां पर होगा वहीं पर तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, तो यहीं पर सेल जो होती है वह आकर मेल गैमेट का सेल जो होता है आकर फर्टाइल करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि एम्ब्रायो की डेवलपमेंट जो होती है वो कौन से एरिया में होती है, माइक्रो पाइलर एरिया, या इसी को हम लोग माइक्रो पाइलर इंड के नाम से भी जानते हैं। तो माइक्रोपाइलर किड में ही जो होता है इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जो मोस्ट ऑफ द जाइगोट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एंडोस्पर्मिक का फॉर्मेशन करते हैं और वो एडेप्ट होते हैं किसके लिए, न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट के लिए। देखिए अब इसमें क्या होता है कि
जो पोलन ग्रेन होता है ये यहां पर आके डेवलप कर गए। अब ये तो फर्टाइल करके इम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा, बाकी जितने सेल जो फर्टाइल करेंगे वो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेंगे, मतलब एनर्जी देने का काम करेंगे, नरिशमेंट देंगे ताकि ये क्या करे, अपना डेवलपमेंट कर सके, अपनी मेंटेलिटी मतलब कि अपनी बॉडी का डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, तो इस तरह से जिस तरह से प्लांट के अंदर होता है उस तरह से ह्यूमन भी होता है कि जब वो क्या कहते हैं प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, तो प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के बाद जब क्या कहता है जो बॉडी फिटस में डेवलप करने लगती है, तो वो वहाँ पर नरिशमेंट जो मिलता है वो कैसे नरिशमेंट मिलता है, ब्लड सेल द्वारा नरिशमेंट मिलता है। और ऐसा नहीं होता है कि मम्मी की ब्लड जो होता है बच्चे के अंदर जाता है और बच्चे का ब्लड जो होता है मम्मी के अंदर आता, ऐसा नहीं होता है। जो आप प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा के साथ में जो यूटेरस की दीवार होती है, तो वहाँ पे प्लेसेंटा और यूटेरस चूंकि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, इस तरह से फिंगर, ये मान लो कि अगर प्लेसेंटा यानी बेबी का अगर प्लेसेंटा का ब्लड वेसल्स है और ये मदर का ब्लड वेसल्स है और ये जो होते हैं वो इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, कभी भी इनके ब्लड जो होते हैं आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं, ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जुड़े रहते हैं। और इनके अंदर जो होती है वह क्या होती है, मेम्ब्रेन ट्रांसफ्यूजन की कैपेबिलिटी होती है। मेम्ब्रेन ट्रांसफ्यूजन कैपेबिलिटी से मम्मी के ब्लड से जो न्यूट्रिशन चलता है वो बेबी के ब्लड बेबी में मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और इसके जो ब्लड जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वह मम्मी के ब्लड में किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफ्यूजन होता है। ध्यान रखेंगे कभी भी बेबी और बच्चे का ट्रांसफ्यूजन जो बेबी और मदर के ब्लड आपस में कभी मिक्सअप नहीं होते हैं, वो हमेशा जो होते हैं वो एक पैचअप द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। आपको जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिखाएंगे और डेवलपमेंट जब हम इम्ब्रायो पढ़ाएंगे वहाँ आपको बताएंगे कि देखेंगे कैसे फर्स्ट वीक में क्या होता है, सेकेंड वीक में क्या होता है, मरूला का फॉर्मेशन कब होता है, कब हार्ट साल्ट पहले आता है, कब किस स्थिति में बेबी की पर डेवलपमेंट होती है, सबसे ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम कब शुरू हो जाता है, क्योंकि इस पे जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कहे कि यहाँ पे जब फर्टाइल होने के बाद जब ये एक सेल यहाँ से जब इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, जायगोट बनना शुरू होता, मैंने इम्ब्रायो बनने लगता है, जायगोट तो बन चुका है, तो बाकी जो सेल होते हैं वो फर्टाइल करने के बाद क्या करते हैं, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो जितने भी हमारे पास सीड जो होते हैं वो जो अर्ली स्टेज में इम्ब्रायो का डेवलप होता है हम लोग करते हैं इम्ब्रायोगेनी। ठीक है, तो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रायो इज कॉल्ड एज, ध्यान देखेंगे सी बटा ए, इसको हम लोग कहते हैं इम्ब्रायोगेनी। ठीक है, तो इम्ब्रायोगेनी किसे कहते हैं कि जो अर्ली स्टेज होता है इम्ब्रायो का फॉर्मेशन का, फ्लॉरिंग प्लांट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं इम्ब्रायोगेनी। तो आपको बताएं जो इम्ब्रायोगेनी, अब देखो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इम्ब्रायोगेनी जो होता है किसी भी फ्लॉरिंग प्लांट का वह स्टेज होता है, ये एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें मोनोकोटिलीडनस प्लांट्स और डाइकोटिलीडनस प्लांट दोनों में जो होता है वह सेम होता है। तो मोनोकोटिलीडनस और डाइकोटिलीडनस दोनों में जो होता है फर्स्ट स्टेज यानी कि एम्ब्रायोगेनी जो होता है वह सिमिलर होता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब ये जो जितने भी अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं ध्यान रखेंगे, अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे मोनोकोटिलीडनस डाइकोटिलीडनस प्लांट होते हैं, अब यहां से जो होते हैं इनके जो शेप होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं, किसी किसी में ग्लोबुलर सेल शेप होते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास अगर मोनोकोटिलीडनस का प्लांट हो गया, डाइकोटिलीडनस का प्लांट हो गया, तो इनके जो डेवलपमेंट रेट होते हैं ध्यान रखेंगे इनकी शेप जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे में अगर मान लो कि हमारे पास ये फर्स्ट सेल है, यहाँ पे सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, इस तरह से सेल जो होता है क्या करता है उसका डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद क्या करता है एक बड़ा सा सेल का डेवलपमेंट करता है, और हर पार्ट में क्या होते हैं इसके न्यूक्लियस होते हैं, जितने सेल होंगे सब में क्या होंगे न्यूक्लियस पाए जाएंगे। तो इस तरह के जो सेल का डेवलपमेंट होता है उसको कहते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो।
यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, ग्लोबुलर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। कहीं कहीं पर जो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट से इसके बाद कुछ एम्ब्रायो ऐसे भी बनते हैं कि ये इसका एक सेल होता है, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, और उसके बाद ये जो सेल होते हैं कुछ इस तरह के सेल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियस होते हैं। तो ये जो शेप होता है इसको हम लोग कहते हैं हार्ट शेप, हार्ट शेप एम्ब्रायो। कैसा होता है? हार्ट शेप एम्ब्रायो। तो इसमें कई तरह के शेप के एम्ब्रायो जो होते हैं वह डेवलप होते हैं। कहीं कहीं पर ग्लोबुलर शेप होते हैं, कहीं कहीं पर जो होते हैं वह हार्ट शेप एम्ब्रायो होते हैं। और उसके बाद जो इसके नेक्स्ट स्टेज में आता है, कई बार सेल जो होते हैं वो कई बार डेवलप कर जाते हैं, और डेवलप करने के बाद जब ये फर्स्ट स्टेज होता है, जैसे होता है ना कि फर्स्ट स्टेज में बेबी जो होता है वो एक छोटे से पार्ट होता है, उसके बाद फिर एक ग्लैंडुलर शेप बनाता है, फिर बॉडी के डेवलपमेंट होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में डेवलपमेंट होता है उसी तरह से इन लोगों में भी डेवलपमेंट होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो सबसे अपर पार्ट होता है हम लोग कहते हैं सस्पेंसर। ये जो अपर पार्ट होता है इस पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या चीज, सस्पेंसर। सस्पेंसर इसको हम लोग कहते हैं सस्पेंसर, ठीक है। अब सस्पेंसर जो होता है, अब यहां से क्या करता है कि सेल अब मैच्योर होना शुरू करता है। ये इमैच्योर कंडीशन होती है, फिर इसके बाद अब इसमें मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद इसमें कॉटिलीडनस का फॉर्मेशन होता है, इसमें रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, और इसके में क्या कहते हैं पॉलम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पॉलम्यूल्स का फॉर्मेशन होना, रेडिकल्स का फॉर्मेशन होना, या कॉटिलीडनस यानी कि फॉर्मेशन धीरे धीरे होता है। तो ये जितने भी सेल होते हैं ये इमैच्योर कंडीशन में आते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है कि इसमें अब ये जो ये सेल सस्पेंसर है, ये आपका मान लो कि ये सस्पेंसर है, जो हेड सेल है हमारे पास, ठीक है। ये सारे सेल के अंदर क्या होते हैं, अपने न्यूक्लियस होते हैं। ध्यान रखेंगे सबके अंदर न्यूक्लियस होता है। अब ये जो है आपका ये कौन सा पोर्शन हो गया, सस्पेंसर हो गया, ठीक है, हेड सेल। अब यहां से क्या करता है कि ये मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद जो है ठीक, अब ये जो सेल होते हैं ध्यान रखेंगे सारे सेल के अंदर जो होते हैं वह न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अब जो ये न्यूक्लियस का जो फॉर्मेशन होता है ये धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू हो जाता है। अब मैच्योर होने के बाद इसके कई सारे फॉर्मेशन होते हैं। जो हेड पोर्शन होता है वो आपके सस्पेंसर के रूप में काम करते हैं। जो बटक्स लेयर एरिया होता है उसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। ये एरिया जो होता है वो बनता है रेडिकल्स का फॉर्मेशन करता है। ध्यान रखेंगे जो अपर एरिया होता है वह रेडिकल्स आर ए होता है, रेडिकल्स का फॉर्मेशन करता है। जो लोअर एरिया जहां से यहाँ पर डिवाइड होना शुरू होता है, ये एरिया जो होता है इसका पॉलम्यूल का फॉर्मेशन करता है। ये एरिया क्या होता है, पॉलम्यूल होता है। और ये जो लोअर सेक्शन होता है इसको कहते हैं कॉटिलीडन, कॉटिलीडनस। तो कॉटिलीडनस यानी ध्यान रखेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटिलीडन या कॉटिलीडनस बोलते हैं। कई कई पर बुक में कॉटिलीडन ही सिर्फ लिखा है, कॉटिलीडन, कहीं पर कॉटिलीडन लिखा है, कहीं पर कॉटिलीडनस लिखा रहता है। तो इस तरह से यानी कि ये सेल जो होता है ये किस तरह का ग्लोबुलर हो गया, ये हर्ट हो गया, और ये जो होता है वो कहलाता है मैच्योर एम्ब्रायो। तो मैच्योर एम्ब्रायो का जो शेप होता है, अब ये मोनोकॉटिलीडनस और डाइकॉटिलीडनस से थोड़ा सा अलग होने लगता है, ठीक है। क्योंकि जब फॉर्मेशन जब होना शुरू होता है तो इनके जो शेप होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, चेंज होने लगते हैं, ठीक है। तो जो एम्ब्रायोलॉजिकल एक्सिस होता है, अब गौर से समझना इस टॉपिक को, अब इसमें जो एम्ब्रायोलॉजिकल एक्सिस होते हैं, अब ये क्या करते हैं कि अलग अलग भागों में धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू करते हैं, ठीक है। जो टिपिकल एम्ब्रायोलॉजिकल एक्शन होता है, मतलब कि जो हम लोग सीखेंगे, तो कह रहा है कि इसमें जो होता है वह एम्ब्रायोलॉजिकल एक्सिस पाया जाता है, और इसमें दो कॉटिलीडनस होता है। ये क्या है, आपका एम्ब्रायोलॉजिकल एक्सिस है, और इसमें दो कॉटिलीडनस जो होते हैं वह आपको पाए जाते हैं। और कहते हैं कि इसमें जो एम्ब्रायोलॉजिकल एक्सिस होता है उसके ऊपर जो कॉटिलीडनस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल बोलते हैं।
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो कॉटिलेडनस होता है। अब देखो, अब हम आपको इसी डायग्राम को, हम इसी सेक्शन को थोड़ा सा अलग हट के काटते हैं, और अलग हट के काटेंगे तो ध्यान कैसे दिखाई देता है। देखो, अब इसी में जो हमारे पास, अगर आप गौर से देखोगे तो कहा कि अब ये सेल का हुआ पॉल्यूस हुआ, ये कॉटिलेडनस हुआ, और ये स्पर्म का करते हैं सस्पेंसर हुआ। अब ये जो कॉटिलेडनस होता है, वो कॉटिलेडनस कितने होते हैं? दो की संख्या में होते हैं। मतलब ये एक कॉटिलेडनस, पहला कॉटिलेडनस, ठीक है, और इसी के साथ में क्या होता है, एक और कॉटिलेडनस होता है। मतलब कि अगर आप इसको जोड़ो तो ये एक और कॉटिलेडनस हो गया। कितने कॉटिलेडनस हो गए? दो कॉटिलेडनस पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। और इसके जो कॉटिलेडनस जो इसको डिवाइड करता है ना, वही एरिया से मान लो ये एक पार्ट हो गया, ठीक है, एक ये पूरा एरिया हमारे पास हुआ। ये एरिया जो हमारे पास क्या करता है कि जहां पर इनको डिफ्रेंशिएट करता है, क्या करता है, ऐसे में ये एरिया जो है आपको डिफ्रेंशिएट किया, और यहां से ये एक पोर्शन हो गया, ठीक है। अब दो रेडिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, एक जो हमारे पास एक कॉटिलेडनस और दूसरा कॉटिलेडनस, ठीक है। हमने इसी चीज को देखो, यहां पे जो है एक कॉटिलेडनस है और दूसरा कॉटिलेडनस, और ये एरिया जहां पे ब्लैंक एरिया है जो डिवाइड होता है, उसी को हम लोग पॉल्यूस कहते हैं। इसका मतलब कि ये जो एरिया क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वह आपका कॉटिलेडनस, मतलब कि फ्लॉरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन पार्ट है, मतलब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन वाला एरिया है। ठीक है, ये पूरा एरिया फॉर्मेशन का रेट है, और ये एरिया जो खाली एरिया है तो इसी को हम लोग कहते हैं पॉलम्यून। ये एरिया पॉलम्यून हो गया, ठीक है, और ये दोनों जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कॉटिलीडन, ठीक है। तो ये कॉटिलीडन हो गया। अब जो इसके नीचे, जो कॉटिलीडन के नीचे आता है, उसे हम लोग कहते हैं हाइपोकॉटिलीडन। ये एरिया होता है हाइपोकॉटिलीडन, ठीक है। तो हाइपोकॉटिलीडन, या इसी को हम लोग कहते हैं हाइपोकॉटिल, कई बार किताबों में लिखा जाता है हाइपोकॉटिल, ठीक है। तो कहीं कहीं पर हाइपोकॉटिलीडन लिखा गया है, कहीं कहीं पर हाइपोकॉटिल लिखा जाता है। नीचे आते हैं तो आपका क्या फॉर्मेशन होता है, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसके बाद जो होता है धीरे धीरे, जो अब रूट की फॉर्मेशन शुरू होती है, ये कहलाता है टैप रूट। तो नीचे क्या बनता है, रूट, टैप रूट, या इस, ये चूंकि रूट का धीरे धीरे फॉर्मेशन होना शुरू होता है, आपको पता है ना कि जब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, बता रहे हैं आपको, यहां से ये होता है आपका रूट टैप। देखो, आप कभी भी सीड को देखना, तो सीड जब फॉर्मेशन होता है, तो जब ये सीड की जनरेशन होती है, तो सीड जो होता है वो इस तरह से मूव करता है। ये कॉटिलेडनस से, मतलब कि ये सीड है, सीड की जो जनरेशन होती है वो इस तरह से निकलता है और अंदर की तरफ जाता है। अब कभी उसको देखना ना, घर पे अगर आपके मूंग या चने को भिगो देना, और चने को भिगो के आप देखोगे तो आपको वहां पे बड़े अच्छे तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ये डाइकॉटिलेडनस प्लांट का हम लोग क्रॉस सेक्शन काटे हैं, तो आप देखोगे कि अगर ये मान लो कि चने का प्लांट है, तो उसमें से जो रेडिकल्स निकलते हैं, क्या निकलते हैं, इसमें जो रेडिकल्स निकलते हैं वो कैसे मूव करते हैं? सबसे पहले एक निकलते हैं और वो कहाँ जाते हैं, अंदर, क्या होते हैं, अंदर जाते हैं, और दूसरे रेडिकल्स जो होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो जो सेकेंड रेडिकल्स होता है वो जाकर लीफ का फॉर्मेशन करता है, और फर्स्ट रेडिकल जो होता है वो आगे कहाँ जाता है, यानी कि कॉटिलेडनस जो होता है, इसमें दो कॉटिलेडनस निकलते हैं। कितने कॉटिलेडनस? दो कॉटिलेडनस। एक कॉटिलेडनस क्या करता है कि ऊपर जाता है और लीफ का फॉर्मेशन कर देता है, दूसरा कॉटिलेडनस जो होता है वो कहाँ जाता है, आपका नीचे जाकर रूट कैप का फॉर्मेशन करता है, नीचे जाता है। आप कभी देखना इस चीज को, आपको अच्छे तरीके से मिलेगा, ठीक है।
जहां ये टर्मिनेशन होते हैं वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, जहां ये टर्मिनेट होते हैं, ये दोनों जो एक कॉटिलेडनस जहां से टर्मिनेट होते हैं वो टर्मिनेशन एरिया जो होता है वो क्या कहलाती है, पॉल्म्यूल्स कहलाती है। ठीक है, अब जो टर्मिनेशन एरिया आपको पॉल्म्यूल मिल गया, अब इसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं, जो सिलेंड्रिकल एरिया जो होता है, ध्यान रखेंगे जो इसका सिलेंड्रिकल एरिया होता है उसको हम लोग हाइपो कॉटिल कहते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, लोअर एरिया जो होती है वह क्या होता है, रेडिकल और रूट कैप का फॉर्मेशन होता है। आप देखो इसके बाद क्या होता है कि एम्ब्रायो जो होता है, ध्यान रखेंगे ये तो हो गया आपका एम्ब्रायो जो होता है वो किसका, मोनोकोटिलेडनस प्लांट में खास करके। ठीक है, अगर डाइकोटिलेडनस प्लांट का, सॉरी अभी हम जो देखे थे वो सारे किसके थे, डाइकोटिलेडनस प्लांट के एम्ब्रायो है। अगर यहीं पर हम मोनोकोटिलेडनस प्लांट का देखें तो मोनोकोटिलेडनस प्लांट में सिर्फ और सिर्फ वन कोटिल, क्या कहते हैं, कोटिलेडन पाया जाता है। ध्यान रखेंगे डाइकोटिलेडन प्लांट में कितने होते हैं, दो कोटिलेडन प्लांट होते हैं। डाइकोटिलेडन प्लांट में दो कोटिलेडन प्लांट होता है, लेकिन मोनोकोटिलेडनस प्लांट में एक कोटिलेडन होता है। आपको नाम से भी समझ में आ रहा है, ठीक है, तो डाइकोटिलेडनस मतलब कितने कोटिलेडन, दो कोटिलेडन, एक और दो, और मोनोकोटिलेडनस प्लांट में सिर्फ एक और एक कोटिलेडनस पाया जाता है। ठीक है, अब इसीलिए अब इसमें जो आप कोटिलेडनस इसमें पाया जाता है तो ग्रास की जो फैमिली के कोटिलेडनस होता है उसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्यूटेलम बोलते हैं। ठीक है, जो ग्रास फैमिली का जो कोटिलेडनस होता है, जो ग्रास फैमिली का जो कोटिलेडनस होता है उससे हम लोग सेक्यूट्यूल बोलते हैं, SCUTELLUM, SCUTE सेक्यूटेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्यूटेलम होता है। ये मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स के होते हैं और सिर्फ सिर्फ जो होते हैं वह एक तरफ ये सेक्यूटेड होते हैं, और वो भी किधर, लैटरल एरिया में जो होते हैं वह पाए जाते हैं। कौन से एरिया में, लैटरल एरिया में सिर्फ इनकी लोकेशन जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, अब देखो जैसे ही अगर इनके लोअर एरिया में जो होता है वो रेडिकल जो होते हैं रूट कैप होते हैं और अनडिफरेंशिएटेड सेल पाए तो हम लोग कहते हैं क्या चीज, कोलेराइजा। अगर इसकी हम सेक्शनल डायग्राम देखें तो देखो कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ी चीज कि इसमें जो एक कोटिलेडनस पाया जाता है उस कोटिलेडनस को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्यूटेलम। तो बच्चा बोला कि सर इसको थोड़ा डायग्रामेटिक समझाइए ना। देखो अगर इसके हम डायग्राम को देखें, इसके डायग्राम बड़े इंटरेस्टेड डायग्राम होते, ध्यान रखेंगे। अब हम जो सीखने जा रहे हैं वह आपका है किसके, मोनोकोटिलेडनस प्लांट का डायग्राम है। देखो मोनोकोटिलेडनस प्लांट में क्या होता है कि इसके अंदर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितने, एक कोटिलेडनस पाया जाता है। तो सबसे पहले जो होता है इनके इसमें जो होते हैं एक तरह के सिर्फ एक कोटिलेडनस होता है, और उस कोटिलेडनस को हम लोग, ये क्या है आपका, कोटिलेडनस है, यानी कि कोटिलेडन है, और इसको हम लोग एस्केप्यूल, SCUTELLUM सेक्यूटेलम बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है कि ये एम्ब्रायो आके चलकर डेवलप करता है, और डेवलप करने के बाद अब इनके जो सिलेंड्रिकल एरिया होता है उसे हम लोग कहते हैं कोलियोपेटाई। क्या बोलते हैं हम लोग, कोलियोपेटाई। ठीक है, और उसके बाद इनके जो हेड एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं सूटेपेक्स, लोअर एरिया होता है उसमें इपीब्लास्ट, फिर रेडिकल, रूट कैप और कोलेराइजा। ठीक है, आपको डायग्राम को अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि डायग्राम जो होते हैं वो एग्जामों में कई बार मल्टीपल चॉइस के रूप में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब तो यहां पे अगर आप गौर से देखोगे तो सबसे ऊपर जो एरिया होता है उसे हम लोग कोटिलेडन कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है जहां पर एक राउंडेड एरिया होता है एक, ये पूरा एरिया जो होता है वो बाउंडेड होता है, जो लोअर जो मिडिल एरिया होता है उसे हम लोग कहते हैं सूट एपेक्स। ठीक
ठीक है, जो बैक जो आप रीजन में जब जाते हो तो जो अपर एरिया जो हमारे पास जो हाइपोकोटिलेडोनस का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे मोनोकोटिलेडोनस प्लांट में बनता है कोलियोपेटाई। कोलियो COLEO, कोलियो पेटाई PTIPTILE, कोलियोपेटाई COLEOPTILE, कोलियोपेटाई। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे एरिया जहां पर ये जो फ्यूनिकस जो बनते थे यहां पर पोम्यूस बनता था, ये यहां पर इपी ब्लास्ट का फॉर्मेशन करता है, इपी ब्लास्ट का फॉर्मेशन करता है। नीचे जो हमारे पास जो होते हैं ये आपका एरिया जो होता है वो आपका रेडिकल का होता है, यहाँ पे जो होते हैं आपके रूट कैप बनते हैं, और लोअर एरिया जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कोलेराइजा। यही दो तीन डिफरेंस हैं इनके अंदर जो बहुत कई बार मोनोकोटिलेडोनस और डाइकोटिलेडोनस को डिफरेंशिएट करता है, और ये जो एरिया होता है जो लोअर एरिया जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे मोनोकॉटिलेडोनस ये किसका प्लांट है, ये डाइकॉटिलेडोनस है, डाइकॉटिलेडोनस प्लांट, ठीक है। और ये जो होता है वो आपका मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट, और उसमें भी किसका है, ये ग्रास। ठीक है, तो दोनों की एम्ब्रायो की जो फॉर्मेशन जो होती है, जो इनकी रूप ढांचा जो होती है वो क्या होती है, बिल्कुल अलग तरीके से होती है। इसमें एस्टेपिगोल्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद जो एम्ब्रायोलिकल जो होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड एरिया होते हैं, और ये अनडिफरेंशिएटेड एरिया जो होते हैं जो जाकर क्या करते हैं लोअर सेक्टर में मिलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कोलराइजा। जो रूट केप के पास अनडिफरेंशिएटेड एरिया स्थित होते हैं इससे हम लोग कहते हैं कोलराइजा। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रायोलिकल एक्सिस एबव द ट्रेवल द अटैचमेंट ऑफ स्कैपुल्स इज कॉल्ड काची एपिकोटाइल। तो क्या होता है कि द पोर्शन ऑफ एम्ब्रायोलॉजिकल एक्सिस लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्या एस्टेपिक्यूल्स, जहां पर एस्टेपिक्यूल्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, एस्टेपिक्यूल्स जहां पर अटैच्ड होते हैं उस एरिया को हम लोग कहते हैं कोलेक्टाइल, और उसके नीचे जो उसके धीरे धीरे डेवलप का कटाइल जो होता है वह शूट एपेक्स का फॉर्मेशन करता है, जहां पे लीफी फॉर्मेशन होती है। इस लीफी फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं, ध्यान रखेंगे यही लीफी कोलेक्टाइल की एरिया में जो होता ही है क्या लीफी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, जैसे मैं आपका सोक या कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अंदर क्या होती है वाटर पाई जाती है, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसके सीड में जो होती है वो वाटर पाई जाती है। जैसे मैं आप देखो गेहूं का, मक्के का, मेज हो गया, पी हो गया, चिकन पी, ग्राउंड नट, ये सारे के सारे प्लांट को अगर आप पानी में रख देते हैं तो कुछ दिन के बाद क्या करता है वो तुरंत तो उसको फूल के वो बड़ा सा हो जाता है। और ऐसे प्लांट में जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रायोलॉजिकल और सीड पाए जाते हैं। तो सिक अ फ्यू सीड इन वाटर, सिक SEAK, सिक ऑफ या सिक अ फ्यू सीड और सिक अ फ्यू सीड इन वाटर, ठीक है। और इसमें एग्जांपल में लिख लो पी हो गया, या क्या कहते हैं वीट हो गया, ठीक है, मक, और या आप क्या कहते हैं मेज ले लो, मेज हो गया, या आप ग्राउंड नट, ग्राउंड नट तो कई बार नहीं पूछा जाता है लेकिन हाँ चिक भी पूछा गया है, ग्राउंड नट भी, ग्राउंड नट, चिक भी, ये सब कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर अगर खास करके देखना, इनकी अगर बेस्ट स्ट्रक्चर देखना है ना, तो कहा जाता है कि सीड को पहले, एक कहने का सीक, सीक का मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर आपको इसका क्रॉस सेक्शन सीखना हो ना और एम्ब्रायोलॉजिकल स्टडी आपको देखना हो ना, तो एक काम करो इसको आप बैठकर और सिंपल तरीके से पानी में पहले सीड को भिगो दो, और पानी में सीड को भिगो कर उसके बाद उसके एम्ब्रायोलॉजिकल सेक्शन काटोगे तो तुमको इस तरह की शेप जो होगी वह दिखाई देती है। क्योंकि
अगर पानी में नहीं भिगोगे ना, क्योंकि पानी में जब भिगोगे तभी उसके अंदर इम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट शुरू होता है। खासकर आप देख रहे होंगे कि जब गेहूं का प्लांट हो गया या धान का प्लांट हो गया, धान में तो हाँ धान में, या मक्के के प्लांट, या आपने कब से अच्छा देखा होगा चने के प्लांट को, चने के जब सीड को या पानी में डाल देते हैं, अगर आपको सूखा चना दे दिया जाए और सूखा चना को कहा जाए कि इसका सेक्शन काटो और सेक्शन काट के फिर इसकी एम्ब्रायोलॉजी को दिखाओ, तो इट्स इम्पॉसिबल, आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि वो काफ़ी हार्ड होता है, काटने जाओगे अपने हाथ हाथ काट लोगे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले इसको सीख करो, इसको डीप करो, किस में, वाटर में डीप करोगे तो इसकी एम्ब्रायो क्या करेंगे, स्वेलिंग होंगे, पानी अंदर जाएगा स्वेल होगा, उसको एक दिन तक छोड़ दो, उसमें से देखोगे पॉबुल्स का रेडिकल्स का फॉर्मेशन होने लगता है, तब आप देखोगे सेक्शन काटोगे ना तो बेस्ट थिंग आपको दिखाई देगा। इसलिए कहता है कि आप क्या करो कि इसको सीड को पानी में डाल दो और पानी में डालने के बाद इसके इम्ब्रायो को देखोगे तो आपको बेस्ट तरीके से इसके इम्ब्रायो दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक स्टडी इम्ब्रायोलॉजी का कि मोनोकोटिलेडस प्लांट के इम्ब्रायो और डाइकोटिलेडस प्लांट के इम्ब्रायो में बेसिक क्या अंतर है। फिर अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो वहाँ आपको सिखाएंगे सीड किसे कहते हैं, क्योंकि अब इसके सीड का फॉर्मेशन, सीड में भी दो तरह के सीड होते हैं, एक होता है नॉन एल्बुमिन या एल्बुमिनस सीड, उसमें भी हम लोग आगे करके क्लासिफिकेशन करते हैं कि ट्रू सीड किसे कहते हैं और फॉल्स सीड किसे कहते हैं, और एग्जामों में ट्रू सीड और फॉल्स सीड के एग्जाम्पल हर बार एग्जाम में देखा गया है, पूछा गया है। तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो ट्रू सीड और फॉल्स सीड के बारे में, या पहले चीज़ हम सीड किसे कहते हैं उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।